तो हम डैम्पिंग पढ़ रहे हैं, और डैम्पिंग में हमने देखा था कि अगर किसी भी सिस्टम में डैम्पर लगा हुआ है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा टाइम के साथ, अगर ये पहला साइकिल है तो कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा, ठीक है। और फिर हमने डैम्पिंग फैक्टर निकाला था, रेशियो निकाला था कि कितना, मतलब किस फैक्टर में डैम्पनेस होगी किसी भी सिस्टम में, और उसके बेसिस पे जो हमने ये एप्सिलॉन रो निकाला था, इसके बेसिस पे तीन रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं, या तो सिस्टम ओवर डैम्प्ड हो जाए, या क्रिटिकली डैम्प्ड हो, या अंडर डैम्प्ड हो। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एप्सिलॉन निकला था, या अगर ग्रेटर देन वन होगा तो ओवर डैम्प्ड, इक्वल टू वन होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर लेस देन वन होगा, ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड हमारा सिस्टम होगा। तो बात करें, अगर आपको देखिए सोल्यूशन याद हो, जो इससे पहले वाला पिछला वीडियो था उसमें हमने जो सोल्यूशन लिया था वो हमने लिया था एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एस टी। अब क्योंकि इसके दो रूट्स निकल के आए थे एस टी के, तो इसको हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए टू द पावर ई एस वन टी पहला सोल्यूशन, और प्लस बी ई एस टू टी। कई कई जगह पे ये सी वन ई की पावर एस वन टी लिख का मिलेगा आपको किसी बुक में, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है कोई भी, आप समझ सकते हैं कि वो ए और बी कांस्टेंट है, सी वन सी टू जैसे कांस्टेंट है, तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्म लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन निकला था। एस वन और एस टू की भी वैल्यू हमने पिछले वीडियो में निकाली थी। तो अगर हम देखें कि एक्स हमारा क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन रो स्क्वायर माइनस वन ओमेगा एन टी, और प्लस फिर हम बी अगर ले रहे हैं अपना पहला वाला सोल्यूशन तो हम ए और बी ही लेके चलेंगे, बी ई, और चेंज क्या आएगा यहाँ पे, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा एप्सिलॉन बी माइनस, और माइनस एक और रहेगा अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन ओमेगा एन टी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अगर हम बात करें ओवर डैम्प्ड की, ठीक है, तो ओवर डैम्प्ड में मैंने आपको बताया कि क्या होगा हमारा, ओवर डैम्प्ड में ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, ये हमारे क्या होगा, ये जो एप्सिलॉन रो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। तो आप इम्प्लीकेशन सोच सकते हैं कि क्या होगा, जो इम्प्लीकेशन है एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन वन हो गया तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक। अगर यही चीज़ इक्वल टू वन हो जाए, तो ये अगर एप्सिलॉन रो का स्क्वायर माइनस वन और इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू वन हो जाए, तो वन वन का स्क्वायर वन होगा माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा, और अगर ये लेस देन हो गया तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी एक कंपोनेंट आ जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर डैम्प्ड में इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो आप अगर चाहें तो कॉपी अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, कि ये जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, नॉन वाइब्रेटरी होगा, ठीक है, मतलब इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर कोई सिस्टम हम उसमें ऐसा डैम्पर लगाते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा डैम्पर लगाते हैं जिसका जो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ओवर डैम्प्ड कर दे सिस्टम को, तो सिस्टम वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक बार हमने उसको अपनी इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए पेंडुलम है, उसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, तो ये इनफाइनाइट टाइम लेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगा इस पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन पे पहुँचने के लिए। तो इसका एग्जांपल देखिए, ये जो पेंडुलम डिस्प्लेस हुआ इसने टाइम लिया ज़्यादा, अभी आप आगे देखेंगे क्रिटिकली, और जब आप अंडर डैम देखेंगे तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे, फिलहाल देखिए कि इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है आपका ट्रक्स में, ठीक, क्यों, क्योंकि ट्रक में लोड भरा होता है, अब अगर वो बिल्कुल वाइब्रेट करने लगे तो क्या होगा, लोड भरे होने की वजह से जो कंपोनेंट्स उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वहां पे स्लो, मतलब जो मीन मान लीजिए ट्रक डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, कोई स्पीड ब्रेकर आया, कोई गड्ढा आया, ठीक है, तो वो टाइम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेने में टाइम लेगा वापस आने में। तो ये जो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रक्स में यूज़ होता है। अब देखिए क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड में ये जो एप्सिलॉन पी की वैल्यू है वो इक्वल टू वन हो जाएगा। अब जब वन हो गया तो यहाँ पे हम वन स्क्वायर माइनस वन कर देंगे, यहाँ पे वन स्क्वायर माइनस वन कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मतलब वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, जो इसका सोल्यूशन निकल के आता है क्रिटिकली डैम्प्ड का, वो निकल के आता है ए प्लस बी और ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम भी कैसा है, नॉन वाइब्रेटरी है, इसमें भी वाइब्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन टू ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपकी जो गन बैरल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जब रिकॉयल होगा उसमें यूज़ किया जाता है, जो डोर्स होते हैं ऑटोमेटिक वाले उसमें यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जो डिवाइसेस होती हैं सोफिस्टिकेटेड,
ठीक है, उसमें भी वाइब्रेशन, देखिए वाइब्रेशन एक अनवांटेड चीज़ है, हमें अपने सिस्टम में वाइब्रेशन नहीं चाहिए, तो हमें उसको कम करना होता है, उसको हटाना होता है, तो वहाँ पे भी जो सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे भी हमें क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। अब जो हमारा थर्ड होता है, देखिए वो अंडर डैम्प्ड होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और इसमें एप्सिलॉन रो की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होगी, तो 1 से कम होगी तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, ये ए ई और माइनस एप्सिलॉन रो और प्लस आई इस तरीके से चलेगा, इधर बी चलेगा और ये यहाँ पे भी माइनस का आई बन जाएगा। तो अब इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पे जो प्लस साइन है इसको अगर इस तरीके से ई की पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू सॉरी एक्स और फिर इंटू ई टू द पावर वाई, मतलब अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो वो लिख लिया, पहला ये फैक्टर आ गया एप्सिलॉन रो ओमेगा एन टी, और फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये ई दूसरा आ गया, सेम इधर भी कर लिया लेकिन बस यहाँ पे ई के साथ माइनस साइन चलेगा, और ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन रो ओमेगा एन टी को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया ए ई टू द पावर आई अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा एन टी, और बी में ये बन गया। अब अगर आपको, आपने डी मोइवरे थ्योरम पढ़ी होगी 12th में तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है या नहीं याद है तो बस ये याद रखिए कि अगर ई की पावर आई ए है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कॉस ए प्लस आई साइन ए, और अगर ई की पावर माइनस आई है तो इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस आई साइन ए, जहाँ पे इस वक्त ए क्या है, ए ये वाला टर्म है, ठीक है, आई अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन रो स्क्वायर ओमेगा एन टी। तो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे इस चीज़ को, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो देखिए क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू, और अगर हम इसको मान लें कैपिटल एक्स एक कांस्टेंट मान लें ए और बी को अलग निकाल के, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन रो ओमेगा एन टी, और इधर जो इसको सॉल्व करके अगर हम ये सारा वैल्यू पुट करें और कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन और अंडर रूट में 1 माइनस एप्सिलॉन रो स्क्वायर ओमेगा एन टी, और एक प्लस में हम फाई रखेंगे फेज डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओमेगा निकल के आता है, तो इस केस में ओमेगा हमारा क्या निकल के आएगा, इस केस में हमारा ये ओमेगा निकल के आ जाएगा इतना टर्म, ठीक है। तो अगर इसको अलग से लिखें तो ये हमारा इस केस में ओमेगा डी निकल के आएगा, ओमेगा डी निकल के आएगा, और ओमेगा डी हम इसको डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इसकी वैल्यू होगी 1 अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन रो स्क्वायर ओमेगा एन। और अगर आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हो तो देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इसमें डैम्पिंग होगी, मतलब रुक जाएगा एंड में, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने क्रिटिकल देखा या ओवर डैम्प देखा, तो इसमें वाइब्रेशन होगा। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल हमारा जो बाइक होती है या कार होती है वो क्रिटिकल डैम्पिंग का सॉरी अंडर डैम्पिंग का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि देखिए उसमें एक बार वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो हमारी कार या बाइक अगर गड्ढा आता है या स्पीड ब्रेकर आता है तो वो वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल होता है हमारा अंडर डैम्पिंग का। और अब हमारे पास अगर ओमेगा डी निकल गया है और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या निकल आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, नॉर्मल फॉर्मूला। और फाइनली अब मुझे लगता है कि आप ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं इसका, देखिए अगर कुछ भी नहीं होगा प्री वाइब्रेशन हुआ ठीक है तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो जो नॉर्मल बनेगा वही बनेगा, लेकिन अब अगर इस केस में आ जाता है कि अंडर डैम्प्ड है ठीक है तो क्या होगा, थोड़ा सा इससे नीचे बनना स्टार्ट होगा, मतलब डैम्पिंग होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मतलब मैं लिख भी देता हूँ एक चीज़ और कि ये वाला जो केस होगा इसमें एप्सिलॉन रो की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगा, ये वाला जो केस होगा इसमें एप्सिलॉन रो की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये यहाँ पे डैम्पिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन कैसा है, अंडर डैम्प्ड है। अब अगर बात करेंगे कि हमारे पास जो डैम्पिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, क्रिटिकली डैम्प्ड हो रही है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड में कर्व अलग से मैं बना के दिखा देता हूँ वरना सब मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें डैम्पिंग होगी और कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, मतलब वाइब्रेट नहीं करेगा, नीचे साइड नहीं जाएगा, सीधे सीधे ये 0 की तरफ टेंड करेगा। और अगर हम बात करें कि
जो ओवर डैम्प्ड होगा तो उसमें भी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इससे जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, इधर हो सकता है, मतलब इस कर्व के इस तरफ रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर ओवर डैम्पिंग नहीं होगी। तो सम अप के लिए हम बना सकते हैं कि अगर इस तरीके से कर्व आ रहा होगा तो वो उसमें हमारा एप्सिलॉन रो इक्वल टू 1 होगा, और अगर थोड़ा और पीछे की तरफ चला जाए ये कर्व, ठीक है, इस तरीके से नीचे ही आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन रो ग्रेटर दैन 1 ओवर डैम्प्ड। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल स्टडी लैब्स, कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट में दे सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई और आपको स्ट्रीम में वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स।